शिमला मिर्च ली हुई है और इनको अच्छी तरीके से देख करके ऊपर का ये भाग मैंने इस तरीके से निकाल दिया है। अब हम इसका ये भी निकाल देंगे और जब इसको स्टफिंग करके हम ऊपर से लगाएंगे। तो इसको आप अभी अलग रख दीजिएगा और ये तीनों शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से देख करके अंदर से दाने निकाल करके काट लिया है। हरी मिर्च मैंने साथ में काट लिया और ये मैंने इस तरीके से तीन आलू लिए थे, कच्चे आलू मैं इसमें डाल रही हूँ और इनको मैं कद्दू कर शिमला मिर्च है इनको एक कितना हमारी कढ़ाई में आ जाए एक जैसे इस तरीके से हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी तल जाएंगी और स्वाद में बहुत अच्छी लगेंगी और हल्की सी पक जाएंगी। जब हम इनको स्टफिंग करते समय कढ़ाई में पकाएंगे तो इसमें ये जलेंगी नहीं और बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार होंगे। खाली ये हमारे पास नूडल्स है उनको हम इस तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं। उसका बस हमें बॉयल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें हमें फ्राई वगैरह नूडल्स को बताओ आप इस तरीके से उनका चूर सा बना करके रख लीजिए। ये देखिएगा इतनी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गई है। बस इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इन्हें हमें फ्राई करना है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अभी आलू जो हमने कद्दू करके रखे थे उनको भी हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरीके से अब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इतना बढ़िया सा आलू हमारा के अंदर भुन गया है। ये देखिए और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है तो इतना रखना है, थोड़ा सा क्रंची रहेगी। ये हमने सारे मसाले निकाल लिए, नमक स्वाद अनुसार रखिएगा, हींग लीजिएगा, काली मिर्च है, धनिया पाउडर है, अजवाइन है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है और ये मैंने टमाटो सूप होता है उसका मैंने थोड़ा सा पाउडर ले लिया है जो कि आपको टमाटर का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा और ये जो क्रंची क्रंची इसके हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे हैं। और ये मैंने चीज़ स्टफिंग के लिए लिया, पक गया है। देखिएगा ये हमारी स्टफ नूडल्स वाली शिमला मिर्च बन के तैयार हो गई है और इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। उसके पहले एक और चीज़ है, आप लोग देखिएगा किस तरीके से इसको और स्वादिष्ट हम बनाते हैं। और चीज़ का जो स्लाइस है या ग्रेटर चीज़ है वो आप इसके ऊपर घिसकर इस तरीके से शिमला मिर्च बन के तैयार हो गई है। चीज़ भी मेल्ट हो गया है, आप लोग भी ट्राई कराने में भूलिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।